जर्मन एरोस्पेस सेंटर DLR अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रहों पर लगे कैमरों से धरती के अलग अलग हिस्सों की हाई डेंसिटी वाली तस्वीरें लेता है और उन्हें सीधे लगातार धरती पर भेजता है। धरती पर भी सैकड़ों वैज्ञानिकों का दल लगातार उन आंकड़ों का विश्लेषण करता है और ऐसे किसी भी संकेत की तलाश में रहता है जिससे धरती पर आने वाली किसी प्राकृतिक आपदा का संकेत मिलता हो। इनका मकसद धरतीवासियों को समय रहते चेतावनी देना और आपदा आने पर अपने बनाए सटीक नक्शों की मदद से राहत कर्मियों की मदद करना है। भविष्य में और ज्यादा काम आने वाली 3D हाई डेफिनेशन नक्शे मुहैया कराना इनका लक्ष्य है। एक भयानक प्राकृतिक आपदा की तस्वीरें, जापान के तट को चपेट में लेती सुनामी, प्रकृति के इस तरह के हमलों को रोक पाना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन रिसर्चर जी जान से इस बात की खोज में लगे हैं कि समय रहते इनकी भविष्यवाणी हो सके। जर्मनी के हवाई और अंतरिक्ष केंद्र DLR में 200 वैज्ञानिकों का एक टास्क फोर्स पृथ्वी पर लगातार नजर रखता है और छोटे से छोटे संकेतों की तलाश में रहता है ताकि लोगों को चेतावनी दी जा सके। हमारे सेंटर की जिम्मेदारी है आपदा की स्थिति में जल्द से जल्द संकट क्षेत्र का नक्शा तैयार करना। संबंधित इलाकों की तस्वीरें अंतरिक्ष में स्थित उपग्रहों से मिलती हैं। उनके कैमरे हाई डेंसिटी वाली तस्वीरें धरती पर लाइव भेजते हैं। ये डाटा ऑब्जर्वेशन सेंटर में इकट्ठा किया जाता है और फिर उसका विश्लेषण होता है। आपदा की स्थिति में दुनिया भर में सरकारों, वैज्ञानिकों और राहत कर्मियों को विस्तृत नक्शे भेजे जाते हैं। उपग्रहों से मिली तस्वीरों की मदद से वे इलाके में राहत का बेहतर आयोजन और समन्वय कर सकते हैं। सुनामी के पहले और बाद की तस्वीरें। सुनामी की चपेट में आए पूरे के पूरे शहर कुछ ही पलों में नेस्तनाबूत हो गए। इस तरह की तस्वीरें और उनकी मदद से बने नक्शे राहत कर्मियों को स्थिति का सही जायजा लेने में मदद करते हैं। जापान जैसी सुनामी को हम कभी रोक नहीं पाएंगे। हम सिर्फ आपदा के असर को कम करने में मदद दे सकते हैं। अपने लाखों यूरो के नए कैमरों को वैज्ञानिक किसी बहुत बड़े राज की तरह छुपा कर रखते हैं। कैमरे के अत्यंत संवेदनशील सेंसर 520 किलोमीटर की ऊंचाई से आग से निकलने वाली गर्मी की किरणों को रजिस्टर करते हैं। ये दिन के हर समय और हर मौसम में काम करता है। जब समय की कमी हो तो ये एक निर्णायक फायदा है। ये कैमरा धरती को फोकस में लेता है और इस तरह की आपदा की स्थिति में इसकी मदद से हजारों लोगों को संकट क्षेत्र से हटाया जा सकता है और उनकी जान बचाई जा सकती है। रिसर्चर अब आगे की सोच रहे हैं। अब उनकी निगाहें लाल ग्रह यानी मंगल पर हैं। जब कभी मानव सहित अंतरिक्ष अभियान वहां भेजा जाएगा तो उसकी कामयाबी का बहुत सारा दारोमदार सही नक्शों पर होगा। इसके इस्तेमाल की एक अन्य मिसाल है कि हम ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो ग्रहों की बाहरी परत की तस्वीरें लेती है। इन सूचनाओं को हम तीन आयामी ऑब्जेक्ट्स में बदलते हैं। इनकी मदद से वैज्ञानिक तीन आयामी दुनिया में वर्चुअल सैर कर सकता है और वहां रिसर्च से जुड़े काम कर सकता है। भविष्य तीन आयामों वाले हाई डिफिनिशन नक्शों का है जो यूजर को 3-डायमेंशनल लैंडस्केप से गुजरने का मौका देगा और वो भी सिर्फ धरती पर नहीं सुदूर ग्रहों पर भी।